Hello friend, we are going to solve some question related to some basic concept of chemistry. It is mole concept and concentrations. So molarity of a 29% weight by volume, weight by volume, sorry, stress of a solution whose density is this much is. तो आपको मोलैरिटी निकालनी है, आपको मोलैरिटी हमें कैलकुलेट करनी है और इसका हमें क्या दिया हुआ है, डेंसिटी दैट इज इक्वल टू 1.22 ग्राम पर एमएल, 22 ग्राम पर एमएल, और हमें दिया हुआ है इसका परसेंटेज वेट बाय वेट एंड दैट इज इक्वल टू 29%। तो अगर मोलैरिटी निकालनी है डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, सिंस वी नो दैट व्हाट मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय मास इनटू डेंसिटी इनटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास, डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये हमारे पास फॉर्मूला है मोलर मास। अब इसमें आपको वैल्यू पुट कर देंगे तो मोलैरिटी क्या हो जाएगा, इसलिए मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज बाय मास इज 29 इनटू डेंसिटी इज 1.22 इनटू 10 एंड डिवाइडेड बाय 98। सो ऑलमोस्ट जो है ये अगर हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे तो अपना आंसर अपने को आराम से मिल जाएगा एंड दैट इज अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा, 3.6। यहाँ पे आपको सेकेंड ऑप्शन में दिख रहा है, सेकेंड ऑप्शन में आपको दिख रहा है। तो आपको इस तरह क्वेश्चन हमें आराम से किससे करना चाहिए, फॉर्मूले से। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आप आपको याद करिए कि मोलारिटी व्हेन वी हैव द परसेंटेज बाय मास वी हैव द डेंसिटी एंड मोलर मास बिकॉज वी हैव H2SO4 और H2SO4 का मोलर मास नहीं पता, ये मोलर मास ऑफ H2SO4 कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 98 ग्राम पर मोल। आप आराम से वैल्यू पुट करिए और हमें ये आपको कैलकुलेशन करके आपका आंसर जो है वो 3.6 के आसपास आता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।